सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑलमोस्ट फोन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 15,000 के रेंज में कौन सा फ़ोन बेस्ट है 2020 में गेमिंग के लिए। दोस्तों मैं आपको Redmi Note 8 और Realme X2 सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करेंगे जिस पर आप पबजी एकदम मक्खन तरीके से खेल सकते हो, यानी कि स्मूथ ग्राफिक्स और एक्सट्रीम सेटिंग पर खेल सकते हो। पबजी के अलावा भी आप काफ़ी सारे गेम को खेल सकते हो, कोई लैग और कोई स्टटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग फ़ोन बाय करने वाले हैं तो दोस्तों आपको एक गेमर का ही रिव्यू देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक गेमर ही आपको एक क्लियर वर्डिक्ट दे सकता है। और दोस्तों मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल गेमर से रिव्यू लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो इस फ़ोन को लगभग 7 या 8 महीने से यूज कर रहे हैं और काफ़ी हार्डकोर गेमिंग करते हैं। और इसके अलावा मैंने भी काफ़ी 3-4 महीने से काफ़ी सारे गेम खेले हैं इस फ़ोन पर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो ये पोको F1 का ही गेम प्ले है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और ला सकूँ। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट बताऊंगा इस फोन से रिलेटेड, और दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं पोको फोन F1 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पोको F1 का कोई स्पेक्स नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल करके चेक कर सकते हो, इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर वर्डिक्ट दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे गेमिंग से रिलेटेड। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये आपको फ़ोन परचेस करना चाहिए। दोस्तों ये फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिस पर आप एकदम टॉप नॉच की गेमिंग कर सकते हो। पबजी के अलावा भी काफ़ी सारे गेम को आप आसानी से खेल सकते हो, वो भी 60 FPS में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोस्तों मात्र आपको ये डिवाइस 15,000 रुपये में मिल जाएगा आज के डेट में। दोस्तों इस फोन में आप स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम सेटिंग में गेम प्ले कर सकते हो पबजी को, और दोस्तों HDR ग्राफिक्स में आप अल्ट्रा सेटिंग पर गेम को प्ले कर सकते हो। और दोस्तों इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिलती है, जिससे आप लगातार 4 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो, वो भी नॉन स्टॉप। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में मिलता है 6.18 इंच का नॉच वाला डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और दोस्तों ये एक फुल HD IPS पैनल है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन की गेम प्ले की। दोस्तों इस फोन में आपको एकदम टॉप नॉच की गेमिंग होगी, नो डाउट। आपको इस फोन में एकदम 0 lag और कोई भी स्टटरिंग देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हो जो इस फोन पर ही गेम खेलते हैं और रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर ही डालते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे कि आप इस फोन को क्यों लेना चाहिए, दोस्तों आप इस फोन में सिर्फ गेम खेलना चाहते हैं तो दोस्तों ये फोन आपके लिए परफेक्ट है। सबसे बड़ी बात दोस्तों आप इसमें पबजी 60 FPS में खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फोन में पबजी को स्क्रीन को रिकॉर्ड करोगे तो थोड़े बहुत आपको टच इशू देखने को मिल सकती है। दोस्तों यह फोन एकदम टॉप लेवल की गेमिंग तो करा सकता है, लेकिन दोस्तों गेमिंग करते वक्त आप इस फोन से स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये फोन आपको उतना कैपेबल नहीं है। वैसे दोस्तों आप इस फोन में गेम को खेलकर उसको रिकॉर्ड कर तो सकते हो, लेकिन फिर वही बात होगी कि थोड़ी बहुत आपको टच इशू देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप बहुत सारे बड़े YouTube गेमिंग चैनल पर आप देख सकते हो, वो आईफोन पर खेलते हैं फिर भी वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो कैप्चर कार्ड से स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर गेम को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते हैं। सो दोस्तों अगर आप बात करें कि दोस्तों ये फ़ोन किन के लिए बना है, तो दोस्तों ये सिर्फ जो गेम खेलना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। वैसे दोस्तों इस फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों उस रेंज में आपको 15,000 के रेंज में आप Redmi Note 8 की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। फिर वही बात होगी कि आपको पबजी परफॉर्मेंस में ये उसको बीट नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि Redmi Note 8 Pro में भी स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम सेटिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों उस फोन में आपको काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर बात करें फ्रेम रेट की, तो दोस्तों आपको 50 FPS ही देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप पोको F1 में गेम करने के अलावा और भी काफ़ी सारे पावरफुल काम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर से, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 845 मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये फोन नहीं है। दोस्तों जो लोग नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मूवी देखना है या फिर कैमरा से फोटो क्लिक करना है, उन्हें अच्छा कैमरा चाहिए, तो दोस्तों वो डेफिनेटली Redmi Note 8 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें 64 MP का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों इससे बेटर फोन इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये थी वीडियो पोको F1 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।